बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी जो समस्या है वो बनकर रह गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सबसे ज़्यादा अगर कोई धरना स्थल पर बैठ रहे हैं तो वो है शिक्षक, चाहे एस्टेट मेरिट अभ्यर्थी या बीटेट के हो, सीटेट के हो, या फिर गेस्ट यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर हैं। और आज 5 दिवसीय धरना स्थल पर गेस्ट टीचर लोग आप देखिए तस्वीरों में कितने की संख्या में बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के बैठे। हम यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं कि सर आपका जो क्या समस्या जो गर्दनी बाग में आज बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड के अनुरूप अस्थायी सहायक प्राध्यापकों के लिए निर्धारित योग्यता अर्हता तथा प्रक्रिया के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो जब हमारी योग्यता अर्हता प्रक्रिया समान है तो फिर हम अस्थायी क्यों? तो समान अर्हता योग्यता प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने के कारण हम अपनी सेवा के नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार धरना देने का कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री महोदय को, सबों को आवेदन देने का कार्य किया है, परंतु अब तक हमारी मांगों पर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग अपनी सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज पुनः 5 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। सर आपने बताया कि इससे पहले भी धरना स्थल पर बैठ धरना दिए हैं, अपनी मांग को लेकर के हमेशा उतरे, फिर से एक बार धरना स्थल पर बैठे हैं, तो इससे पहले जब आपकी बातों को नहीं सुना गया तो इस बार क्या लग रहा है कि आपकी बातों को सुना जाएगा? नहीं सुना गया ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी जब मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा निकला हुआ था तो सहरसा में हमारे साथी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने का कार्य किया था, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे संज्ञान में आप लोगों का मामला है, इस पर हम देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी अपनी व्यस्तता रहती होगी, हमारे मांग की ओर ध्यान नहीं जा पा रहा हो, भूल चुके हों, तो उन्हें याद दिलाने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने के लिए हम पुनः धरना पर बैठे हुए हैं कि आप हमारी ओर ध्यान दें, हमारा उद्धार करें। आप लोग 5 दिन के लिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या कोई माननीय आए, आपसे मिले, आपसे मुलाकात किए, जानने की कोशिश की कि आप लोगों की भी कुछ समस्या है? आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं जो अपने अपने समस्याओं को लेकर के रखते हैं, जो क्षेत्र का समस्या होता है उसको सदन में उठाते हैं, तो क्या वो लोग आपसे मिलने की कोशिश किए? अब तक नहीं आए हैं, उम्मीद है कि वो लोग आएंगे, अभी और भी दिन है, उस दिन वो लोग आएंगे। कई लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि आएंगे, सदन में हमारी आवाज़ उठाई भी जा रही है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी कई माननीय सदस्यों ने हमारी आवाज़ को उठाने का कार्य किया है। तो आपने सुना कि आज जिस तरह से आज से 5 दिवसीय धरना स्थल पर बैठे और अपनी मांग को लेकर के जिस तरह से लगातार इससे पहले भी उन लोग अपनी मांग को उठाया है, लेकिन जैसा इन लोगों का कहना है कि हमारी मांग रखी जाती है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, लेकिन कार्य की व्यस्तता की वजह से वो हमारी बात को हो सकता है भूल गए हो, तो हम उन्हें याद दिलाने के लिए फिर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और धरना स्थल पर बैठ कर ही उन्हें अपने जो वादा किया है उन वादा को निभाने का याद दिला रहे हैं। फिलहाल कितना ही बने रहे पटना संकेत।